ज्ञात हो कि बलौदाबाजार जिले में गत 9 अप्रैल को यातायात पुलिस निरीक्षक श्री मकरम और उनके साथियों द्वारा सिख व्यापारी को प्रताड़ित कर जान लेने की घटना से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के सिख समुदाय के लोगों में न केवल भय का समा है, बल्कि अब वे लोग न्याय पाने के लिए आंदोलन करने पर मजबूर हैं। घर का एकमात्र कमाने वाला जसवंत, जिसकी हत्या उन्होंने की, जिन पर नागरिकों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसी क्रम में आज प्रदेश की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब के निकट प्रदेश भर से सिख समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर विशाल धरना प्रदर्शन किया और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। हम आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसको पहला अगलियां कार्रवाइयां की होंगियां उन्हें बने को चाहिए दी जावे जल्द से जल्द दोषी एक फिर दोबारा बेनती है जावे सारियां सुखावां जिन्हें आने वाले दो दो मेंबरों ने इकट्ठी मिलकर जरूर खास रही जावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उनके विवाह के लिए व्यवस्था कराएं एवं पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दें। हालांकि ये मुआवजे से किसी की ज्ञान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनके भरण पोषण का एक साधन अवश्य इनको मिलेगा। इसलिए हमारा शासन से अनुरोध है कि इसमें विचार करके अतिशीघ्र इसका प्रतिक्षेप करें। आंदोलन को समर्थन करता हूँ, किया जा रहा है आंदोलन बहुत सही है। और ये घृणित कृत्य है जो एक थानेदार द्वारा किया गया।